अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसफ आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर के अंदर जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने ग्रुप्स को जो है इसको स्टार्ट कर चुके हैं और ग्रुप्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप सेवन जो है उस हवाले से कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था, डिस्कस किया था, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। इससे ऑनवर्ड हम ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। अल्कलाइन मेटल्स की हम जैसे कि डिस्क्रिप्शन ले चुके हैं कि इसमें हमारे पास बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, रुबिडियम और उसके बाद हमारे पास लास्ट में बेरियम आता है, ठीक है। तो इसी हम एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इनके हम बात करेंगे, ठीक है। सिंपली मतलब क्या होता है ऑक्साइड्स का, ये आप ऑलरेडी भी अपने चैप्टर वन में डिस्कस कर चुके हैं जो कि सेकेंडरी केमिस्ट्री का है, उसमें आपने देखा था बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, ठीक है। इनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, ठीक है, सिंपली कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, इनको हम कहते हैं। अब चूंकि हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अल्कलाइन मेटल्स के ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड है, उसके अलावा हमारे पास बेरियम ऑक्साइड है। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो अब हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है और बेसिक फैक्टर क्या है, क्योंकि हमने जब ऑक्साइड्स की बात करनी होती है तो हम बेसिकली तौर पर ट्रेंड ही देख रहे होते हैं। चूंकि हम ये बात जानते हैं कि हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो अबाउट एंट्री टेस्ट है, तो मैं आपसे जस्ट मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगा और उन मेन पॉइंट्स को समझाऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड की टर्म को आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें मैंने आपसे कहा बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्साइड की डेफिनेशन है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं ऑक्साइड्स के हवाले से दो चीजें डिस्कस करूंगा, एक मेरे पास है सॉलिबिलिटी, और दूसरी मेरे पास जो चीज़ आएगी मैं बेसिक करेक्टर को डिस्कस करूंगा अबाउट द ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी का सिंपली मतलब क्या होता है। सॉलिबिलिटी को हम कहते हैं कि सॉलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिसॉल्व सॉल्वेंट, यानी किसी एक सॉल्वेंट के अंदर किसी एक सॉल्यूट की सलाहियत या किसी एक सॉल्वेंट में जो सलाहियत है एक सॉल्यूट की अमाउंट को डिसॉल्व करने की पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसे उसकी हम सॉलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो हम ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द सॉलिबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विल ऑलवेज इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, ठीक है। अलोंग द ग्रुप ऑक्साइड्स की सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है इन वाटर, ठीक है। हम सिंपली कहते हैं कि ये इंक्रीज करेगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज along the group, increase along the group, हम along the group अगर हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो ये जो compounds हैं, ठीक है, यानी ये जो oxides हैं, ठीक है, इनकी solubility जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज करेगी। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड की जो सॉलिबिलिटी है इट इज लेस देन द सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉलिबिलिटी लेस है एज कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए आप कह रहे हो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, तो टॉप पर मौजूद है बेरिलियम और उसका ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड, तो उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड। तो हम कह रहे हैं बेरिलियम ऑक्साइड जो है इसकी सॉलिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी सॉलिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी सॉलिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, और इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, सबसे कम होगी, यानी इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द रुबिडियम ऑक्साइड, ठीक है, और उसके अलावा हम कह रहे हैं इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू द बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स हमारे पास आ गए हैं जिसकी हम तलिक बात कर रहे हैं कि ये सॉलिबिलिटी जो है वो अलॉन्ग द ग्रुप
इंक्रीज कर रही है और फर्स्ट वन की लिस्ट है, लास्ट वन की सबसे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है जो कि हमने देखा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, वो हमारे पास है इनका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर के हवाले से डिस्कशन करेंगे अब हम, ठीक है, कि होता क्या है, ठीक हो गया। तो इस हवाले से हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप, सेम वे में हम कहते हैं बेसिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेज अलोंग द ग्रुप। मैंने आपको रीजन नहीं बताया, मैं आपको रीजन बता देता हूं, ठीक है। इंक्रीजेज अलोंग द ग्रुप। अच्छा, फर्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि इंक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप ये सॉल्युबिलिटी, तो रीजन क्या हो सकती है? ड्यू टू द डिक्रीजमेंट ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और वाटर जब भी एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करना चाहेगा अपने अंदर, तो हम ये बात जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड की जो डिसोसिएशन होती है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब तक के लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम नहीं होगी, इतनी आसानी से वो आयनिक कंपाउंड वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करती है ऑक्साइड्स की, तो हम सिंपली कहते हैं रीजन यही है कि हमारे पास इनकी जो आप कहने के लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करेगी, लेटेस्ट एनर्जी कम रिक्वायर होगी कि हम इस तरह के कंपाउंड को डिसोसिएट कर सकें इनटू देयर आयंस, ठीक है, और फिर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डिसोसिएशन पावर इंक्रीज करती है और लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ भी कहते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीज करने की रीजन भी यही है कि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करेगी और डिसोसिएशन पावर जो है वो इंक्रीज करेगी अलोंग द ग्रुप, ठीक है। और ये बात भी हम ये बात कहते हैं कि चूंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर चूंकि यहाँ से वहाँ इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, इसका लीस्ट बेसिक कैरेक्टर जो है वो होगा, ठीक है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ अगर हम देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। और एम्फोटेरिक का मतलब सिंपली क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड बिहेव एज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब एम्फोटेरिक का सिंपली मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है, जैसे भी हम ऊपर देख रहे थे, हमने डिस्कस भी किया आपके साथ कि बेसिक कैरेक्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस के जो डिपेंड करता हो मीडियम के ऊपर कि वो कैसे बिहेव करे, यानी कि अगर हम उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें तो वो बेसिक के तौर पर बिहेव करे, और अगर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करें तो वह एसिड बिहेव करे, इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है, दोनों के दोनों जो वो आपके लिए नेचर जो है वो अपनी शो कर सकता हो, इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एक्चुअली तौर पे क्या है, बिहेव करता है एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस के तौर पे, इसकी नेचर एम्फोटेरिक है, और रिएक्शन के थ्रू हम इस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिपेंड करेगा इस सब्सटेंस की, यानी जो आपके लिए बिहेवियर है इसका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। तो अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं बेरिलियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमें बेरिलियम सल्फेट फॉर्मेशन कर देगा और H2O यानी वाटर बना देगा, ठीक है। और अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो बेसिक मीडियम NaOH, तो ये बना देगा Na2BeO2 और सेकेंडरी तौर पे वाटर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दोनों सूरतों के अंदर आप क्या चीज़ गेट कर रहे हैं, एक तो हमारे पास यानी सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर आप एज अ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और अगर आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये खुद एज अ एसिड बिहेव करते हुए सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक आप कह लें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं, और इसके बाद हमने ऑक्साइड्स की रिफाइन करने के बाद इनके कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू द ऑक्साइड मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो हमने देखी हैं, यानी सॉल्युबिलिटी
प्रॉपर्टी की बात की है, बेसिक कैरेक्टर की बात की है, और बेरिलियम ऑक्साइड का बिहेवियर यानी एम्फोटेरिक जो उसका बिहेवियर है इसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है समझ आए होंगे और इनसे इनके हवाले से जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।